जो अनुभव करता है, जिसके पास सुख दुख की अनुभूतियां हैं, वो क्या तत्व है? ये जिज्ञासा सबके मन में बैठी हुई है। तो वो उड़ता हुआ पंछी, वो चिड़िया आकर के बैठ गई, कैसे उड़ पा रही है, कीड़ा कैसे चल रहा है, ये सब बच्चों के मन में जिज्ञासा उपजती है। और उन सब बच्चों के मन में, सब जीवात्माओं के मन में, शरीर में आने के बाद एक जिज्ञासा बचपन से ही सिर उठाए होती है। अब तो याद आया ना सवाल, अब भी नहीं। बच्चे पूछते हैं अपने माता पिता से, मम्मी पापा से, मैं कहां से आया। छोटा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, मैं कहां से आया। कहां से आए जी हम और आप, पता है अभी तक? पता है तो बच्चे को गांव में माताएं समझा देती हैं, तुम कूड़े पर मिले थे। शहरों की माताएं कह देती हैं, तुम हॉस्पिटल से लाए गए थे। क्या बताएं, बताएं भी क्या। बड़े होने पर अगर आप बच्चे को ये समझा भी सकें कि किस तरह से स्त्री और पुरुष के संयोजन से बच्चे का जन्म होता है, तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बच्चा शरीर कैसे बनता है ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि मैं इस शरीर में कहां से आ गया, कैसे इस पिंजरे में आ फंसा हूं, उसका सवाल ये है। बचपन से ही ये गहरी जिज्ञासा मन में बैठी हुई है। और इसके बाद जब हम कुछ और बड़े होते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई, ये वो, खेल कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, दोस्त, गपशप, टीवी, सीरियल, बच्चे और फिल्म, युवा हुए, फिर धन कमाना, ये सब, इसमें, इस सारे जाल में ये सवाल खो जाता है, मैं कहां से आया। और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, कहां जाना है, कहां से आया, गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है यात्रा का, दोनों सवाल खो जाते हैं। फिर कुछ सौभाग्यशाली लोगों के मन में फिर ये सवाल फिर से उठता है, जब युवावस्था बीत जाती है, जवानी बीत गई, जीवन के बहुत कुछ कारोबार कर डाले और अब मृत्यु फिर सामने दिखाई दे रही है, अब शरीर छूटने का समय नजदीक आ रहा है, तब फिर ये सवाल उठता है, मैं कौन हूं, कहां से आया, किधर जाना है। तो बहुत लोग कांप जाते हैं मृत्यु सामने देखकर, और बहुत लोग उस प्रश्न के उत्तर की खोज में उतरते हैं। और बस मनुष्य का सौभाग्य यही है कि इन गहरे प्रश्नों के उत्तर की खोज में उतर जाए। और जैसे ही आप खोज में उतरने की लालसा मन में जगाएंगे, आपको राह मिल जाएगी। सारी दार्शनिक मीमांसाएं, सारे विचार, सारे शास्त्र आप स्वयं अनुभव कर लेंगे, उन सब के बीच में से सत्य और असत्य का निर्णय भी कर लेंगे। तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, जब जब हमारे प्यारे लोग दुनिया से विदा होंगे, तब तब हम ये सोचना चाहेंगे कि इस शरीर से पहले क्या था और इस शरीर के बाद क्या है। और ध्यान रखना, कितना भी सोचो उत्तर सिर्फ दो होंगे। जब से इस धरती पर इंसान है, उसने सोचना शुरू कर दिया ना, तब से लेकर आज तक साइंस और फिलोसॉफी के फील्ड में मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या हो सकता है, मृत्यु के बाद क्या क्या होने की संभावना है, इस बारे में जो कुछ सोचा गया है और जो कुछ लिखा गया है, मैंने वो सब पढ़ा। और उसके बाद श्री कृष्ण का ये श्लोक पढ़ने को मिला तो लगा ये सारा पढ़ना बेकार गया, ये श्लोक ही पहले पढ़ लिया होता, क्योंकि उत्तर सिर्फ दो ही है। मनुष्य ने जो कुछ सोचा है इस प्रश्न के उत्तर में कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके कुल मिला के दो ही उत्तर होंगे, दो ही जवाब, दो ही आंसर। कौन कौन से बताइए ना, अभी मैं बता चुका हूं। दो ही जवाब हो सकते हैं, या तो शरीर के साथ सारी कहानी खत्म, और या हम शरीर नहीं हैं, शरीर के अलावा हमारी सत्ता है, शरीर मर जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, हम नष्ट नहीं होंगे, आत्मा का अस्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, तुम मनुष्य हो,
इसलिए परमेश्वर का सबसे बड़ा सौभाग्य तुम्हें जो प्राप्त है वो विचारों की स्वतंत्रता है, सोचने की आजादी। कुछ भी सोच सकते हो तुम, कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हो। कोई भी बात मान लो, या तो ये कि कुछ नहीं है आत्मा वात्मा, शरीर खत्म और सब कुछ खत्म, इसके बाद कुछ बाकी नहीं, और या ये मान लो कि नहीं, हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग हमारी सत्ता है, शरीर के बाद भी हम रहेंगे, आत्मा नहीं मरता, शरीर छोड़ता है। दो में से कोई भी एक उत्तर स्वीकार करो, तुम्हें एक बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बात निश्चित है, कौन सी? जिनकी मृत्यु हो गई उनको दुख हरगिज नहीं होता। दुख उनके लिए नहीं है, क्योंकि अगर शरीर खत्म और इसके बाद कुछ नहीं बचता, तो फिर जब अस्तित्व ही नहीं रहा, किसी चीज का अस्तित्व नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो किसको सुख है, किसको दुख है? और अगर आत्मा है, शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरता, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि जिस परम शक्ति की व्यवस्था से जीवात्मा का उस शरीर में आना हुआ था, उसी की व्यवस्था से शरीर से जाना हुआ है, और उसी की व्यवस्था से उस जीवात्मा की पहले शरीर से और बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। दुख उनको नहीं है। दुख किनको है? मृत्यु का। जिनकी मृत्यु हुई उनको तो दुख है नहीं, किसी भी हालत में दुख होने की संभावना नहीं। तो फिर जिनकी मृत्यु हुई जब उनको ही दुख नहीं है, तो जो जीवित बैठे हैं वो क्यों दुखी होते हैं? कारण है प्रेम? कारण है प्रेम? नहीं, प्रेम कारण नहीं। प्रेम हमेशा सुखी होता है प्रिय व्यक्ति के सुख को देखकर। जिसको हम प्यार करते हैं वो अगर सुखी है, तो उसे सुखी देखकर आपको दुख होना चाहिए? आपका बेटा पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है, कल्पना में देखिए जा रहा है, आपका भाई जा रहा है, आपकी बहन जा रही है पढ़ने के लिए, तो मोह क्या कहता है? मन के जो मोह की भावना है, मोह और प्रेम अलग अलग भावनाएं हैं, इनमें अंतर है। मोह अपना स्वार्थ देखता है, स्वार्थ कौन सा? नजदीकी। मोह कहता है हमारे नजदीक ही रहे ना, हमारे पास रहे, तो मोह रोकता है। मोह कहता है बाहर पढ़ने के लिए जाने की क्या जरूरत है, भारत में क्या यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छी से अच्छी सब कुछ है, तो बाहर मत जाओ, मोह रोकता है। प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है यदि तुम्हारा कल्याण, यदि तुम्हारी भलाई, यदि तुम्हारा हित बाहर जाकर पढ़ने में है, तो जाओ, और हम जाके एयरपोर्ट पर उसको विदा दे आते हैं, जाओ बेटा, हम खुश रह लेंगे, हम अपने मोह को वापस कर लेते हैं, तुम ठीक हो ना, बस इतना समाचार मिलता रहना चाहिए, तुम ठीक हो, टेलीफोन कर देना, ईमेल कर देना, सूचना दे देना, तुम ठीक हो, ठीक ठाक पहुंच गए। शुरू शुरू में मोह फिर सिर उठाता है, आपको रोज टेलीफोन पर समाचार चाहिए, उसके बाद में मोह धीरे धीरे कम होता है, सप्ताह में एक बार टेलीफोन हो गया, ठीक है, फिर महीने में एक बार टेलीफोन हो गया, एक साल बीत गया बच्चे को वहां रहते रहते, इसके बाद अगर वो रोज टेलीफोन करे तो आप ही रोकेंगे, क्यों भाई, ऐसा क्या बात है, ठीक है ना, पढ़ रहा है, पढ़, मोह कम हो गया ना। प्रेम कहता है ठीक है, तो फिर सीधी सी बात है, परमेश्वर की व्यवस्था से जिस जीवात्मा का जाना हुआ, परमेश्वर की व्यवस्था के बिना जाना नहीं होगा। और ध्यान रखना, परमेश्वर कल्याणमय है, किसी भी जीवात्मा को किसी भी शरीर में किसी भी परिस्थिति में भेजते हैं तो उसके कल्याण के लिए, हटाते हैं तो उसके कल्याण के लिए। तो जब उसके कल्याण के लिए उनका जाना हुआ है, तो आप अपने आंसुओं से उसके कल्याण में रुकावट क्यों बनते हो? अपने मोह की वजह से? मोह को वापस ले लो, प्रेम को बढ़ा दो, उनका कल्याण चले जाने में है, चाहे हम ठीक है, जीवन के दूसरे रास्ते ढूंढेंगे। तो ध्यान रखिए, सुकरात उन्हीं परिस्थितियों में निश्चिंतता ढूंढ रहे हैं, और उन्हीं दो परिस्थितियों को सोच सोच कर वो सज्जन महात्मा आनंद स्वामी के पास जाकर दुखी हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति दुरस्ती में से स्वस्ति ढूंढ रहा है, और एक स्वस्ति में भी दुरस्ती ढूंढ रहा है, जो कुछ अच्छा सोचा जा सकता है उसमें भी वो दुर्भावनाएं, कुशंकाएं और घबराहट उठा रहा है, और जिस स्थिति में मृत्यु सामने खड़ी हुई है, जहर का प्याला पी चुका है एक इंसान,
वो उस परिस्थिति में भी निश्चिंता खोज रहा है, क्या फर्क पड़ता है? दो ही तो बात हो सकती है, तो शरीर के बाद सब कुछ खत्म है, आत्मा का अस्तित्व है। सारे तनाव और चिंताओं से ऊपर उठकर जब आप एक सूत्र समझ लेते हैं जीवन का, तो आप निश्चिंत भाव से अपना कर्म करने में समर्थ हो जाते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता पानी हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आपको परीक्षा पास करनी है, चाहे आप नौकरी ढूंढने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक कैरियर ढूंढते हुए तलाशते हुए नौजवान हैं, या आप अपना बिजनेस चला रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, आपको एक क्रिया विधि समझनी पड़ेगी। शायद कभी आपने इन चीजों को सुना हो, और शायद मैंने ही कभी आपसे चर्चा की हो, मुझे मालूम नहीं। महर्षि पतंजलि जिस पद्धति को क्रिया योग कहते हैं, वो क्रिया योग जीवन की हर परिस्थिति में आपको सफलता तक पहुंचाने वाला क्रिया योग है, और उस पद्धति को अपनाकर आप निश्चिंत भाव से अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रह सकते हैं। उसकी चर्चा मैं आपसे करूं, इससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि किसी भी क्रिया पद्धति की कुछ सही ढंग से करने की विधि की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका कोई लक्ष्य हो। अगर आपका कोई लक्ष्य है, कहीं आप पहुंचना चाहते हैं, कुछ आप करना चाहते हैं, तो वो आपका जो गोल है, जो एम है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मौलिक संपत्ति को संजोना होगा, जिसका जिक्र मैं आपसे सुबह कर रहा था। आपके पास जो मौलिक संपत्तियां हैं, वो आपके मन का उत्साह, संकल्प, दृढ़ता, निश्चय, बुद्धि, परिश्रम, ये मौलिक संपत्तियां हैं। इनको संभाल कर आप कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, और यहीं पर आपको एक ठीक योजना बनानी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ठीक है और अगर आपकी योजना सही है और आप चल पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आपका जो भी रास्ता होना चाहिए, जिस पथ पर आप चलकर अपने लक्ष्य तक जाएंगे, उसके साथ ये चीजें जुड़ी होनी चाहिए कि वो रास्ता सीधा हो, सरल हो और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो। कोई रास्ता कितना भी सीधा और सरल और अच्छा है, सुरम्य है, मनोहर है, लेकिन अगर आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता तो बेकार है। और कोई रास्ता कितना भी टेढ़ा है, दुर्गम है, ईंट पत्थरों कांटों से भरा हुआ है, फिर भी अगर वो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा तो वही आपका रास्ता है। इसलिए स्वस्ति पथ कौन सा है, कल्याण का रास्ता कौन सा है, सुख का मार्ग कौन सा है, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाए। मान लीजिए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता ये है, लेकिन इस रास्ते पर चलकर आपको कई लोगों को कुचल करके जाना पड़ेगा, तो फिर वो रास्ता छोटा ना समझिए, वो रास्ता लंबा है और छोड़ देने योग्य है। और जिस रास्ते से आप घूम कर जाएंगे लेकिन दूसरों को बिना तकलीफ पहुंचाए हुए, वो रास्ता ही स्वस्ति है, क्योंकि उसमें दूसरों का भी सुख आपने सोचा, और फिर आपने भले ही थोड़ा अधिक समय लगाया, अधिक परिश्रम आपका लगा, लेकिन फिर भी आपने, चूंकि उसमें दूसरों का सुख भी आपने अपने विचार में, अपनी कार्य पद्धति में जोड़ लिया है, इसलिए आपका स्वस्ति पथ वही है। इस संसार में जो लोग सुख पाने के लिए टेढ़े मेढ़े, कुटिल और धूर्तता और छल कपट, बेईमानी के रास्ते अपनाते हैं, उनको लगता है कि ये रास्ता सरल है, ये रास्ता छोटा है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए, अंतिम रूप से अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए, तो वो रास्ता लंबा बैठता है, उसमें पुरुषार्थ भी, परिश्रम भी ज्यादा लगता है, समय भी अधिक लगता है। लोगों ने भ्रम क्रिएट किए हुए हैं कि ऐसे गलत सलत तरीकों से कुछ पाने का हम तरीका अपनाएंगे तो वो छोटा पड़ेगा, सरल पड़ेगा, ऐसा करके वैसा करके हम जल्दी धनी हो सकते हैं या जल्दी किसी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बात ऐसी नहीं है। नीति शास्त्रों ने कहा है कि संसार में मृत्यु का मार्ग कौन सा है और ब्रह्म का मार्ग कौन सा है। सर्वम जिम्हम मृत्यु पदम, आर्जवम ब्रह्मण पदम,
एतावान ज्ञान विषय किम प्रलापः करिष्यति। ज्यादा बकवास करने से कोई फायदा नहीं, इतनी सी बात समझ लो, जो कुछ भी सरलता है, जो कुछ भी निश्चलता है, जो कुछ भी अपने और दूसरों के सुख का ध्यान करके किया गया कार्य है, वो ब्रह्म तक पहुंचाने वाला, सुख और आनंद तक पहुंचाने वाला मार्ग है। और जिसमें भी कुटिलता है, जिसमें भी छल कपट है, जिसमें भी बेईमानी है, जिसमें भी दूसरों को दुख पहुंचाने की थोड़ी सी भी लेश मात्र भी संभावना है, वो रास्ता मृत्यु तक पहुंचाने वाला है। अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इन दोनों में से कौन सा मार्ग चुनते हो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, क्योंकि परमेश्वर किसी जीवात्मा के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती करते ही जीवात्मा की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, और स्वतंत्रता समाप्त होते ही जीवन का रस समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कर्म करने की स्वतंत्रता हर जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा। परमेश्वर कर्म की स्वतंत्रता कम ज्यादा जरूर करते हैं, अलग अलग शरीरों में भेजकर, और वो भी उनकी कर्म स्वतंत्रता के आधार पर ही। उन जीवात्माओं की कर्म करने में स्वतंत्रता है, फल भोगने में परतंत्रता है। कर्म करते हुए हमें लग रहा होता है कि ये जो रास्ता है कुटिलता का, ये छोटा पड़ रहा है, फल जब भोगने का समय आता है तब मालूम होता है कि वो रास्ता छोटा नहीं था, बहुत लंबा सिद्ध हुआ, बहुत तकलीफ देने वाला सिद्ध हुआ। और सीधा सा गणित भी अगर लोग समझ लें, सीधा सा गणित, सांसारिक गणित, उसमें बहुत दार्शनिक मीमांसा और आध्यात्मिक बात छोड़ के सीधा ऊपर से दिखने वाली परिस्थितियों का ही थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें, तो निश्चित हो जाएगा कि कुटिलता का रास्ता, बेईमानी और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला रास्ता हमेशा लंबा था। उदाहरण लीजिए, एक चोर किसी मकान में घुसता है चोरी करने के इरादे से, और उसको कुछ संपत्ति हाथ लग जाती है। तो मान लीजिए 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी उसने चुरा ली, 1,00,000 रुपए सामान्य रूप से परिश्रम करके 1,00,000 रुपए कमाने में किसी को 1 साल का समय लग सकता है, किसी को 1 महीने का समय लग सकता है, लेकिन उसने तो 5 मिनट में कमा लिए ना, 5 मिनट में 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी उसको प्राप्त हो गई। कितना सीधा सरल रास्ता है ना जी। अब यहां दो बातें सोचने की, सभी लोग इस सीधे सरल रास्ते पर चलने लग जाएं, कोई मेहनत नहीं करे, कोई खेती नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, सब छीन झपट और चोरी में ही संलग्न हो जाएं, क्योंकि सबसे छोटा और सरल रास्ता वही है, तो किसी के पास कुछ होगा ही नहीं, कौन किसका क्या चुराएगा है? जो कुछ भी समृद्धि, जो कुछ भी धन दौलत उपजी है, वो पसीने से उपजी है, बुद्धि से उपजी है, मेहनत से उपजी है, हाथों से उपजी है। वही रास्ता सीधा था। और अब चोर की बात सुनिए, उस चोर ने 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी चुरा करके ये सोचा है कि 5 मिनट में मिल गई, लेकिन इस 5 मिनट के पीछे कितनी लंबी मेहनत है, कब से उसने प्लान बनाई होगी, इस मकान में इधर से घुसूंगा, इधर से भागूंगा, इधर से चढ़ूंगा, ऐसे उतरूंगा, और अगर पकड़ा गया तो पिट भी लूंगा, पुलिस में गया तो वो भी झेलूंगा, जान हथेली पर रख करके। पुरुषार्थ थोड़ा है उसका, मेहनत कम नहीं लग रही है, मेहनत तो बराबर है, लग रहा है कि थोड़े में जल्दी में हो रहा है, जल्दी से यूं मिल गए। 1,00,000 रुपए की ज्वेलरी लेके सफलता के साथ चुरा ले जाता है, सफलता के साथ चुरा लेने के चांस 25% होते हैं, 75% चुराने के चांस कम से कम है, हर आदमी अपनी सिक्योरिटी रखता है ना, फिर पूरा समाज है, पड़ोसी पड़ोसी, फिर बाद में पुलिस वगैरह, वो तो बाद की बात। चुरा ले गया, चुराने के बाद वो 1,00,000 रुपए के जेवर, सोना चांदी के गहने बाजार में जाकर कितने रुपए में बिकेंगे, वो 1,00,000 रुपए मूल्य के हैं, लेकिन उसके हिस्से में कितने आएंगे जी? 25-30% उसको पैसा मिलेगा, यानी 25-30 हजार रुपए मिले, तो अब 75% यूं लेस कर दीजिए, उसमें से कम कर दीजिए। इसके बाद में वो उन 25-30 हजार रुपयों का निर्द्वंद निर्बाध निश्चिंतता से उपभोग कर सकेगा। हर समय तो डर है पुलिस का, पकड़े जाने का,
और अगर उस पकड़े जाने के भय से उसे मुक्त रहना है तेलगी जैसे आदमी को, तो कितने पुलिस वालों को उसमें से हिस्सा देना पड़ेगा? कितने, यानी जो पकड़ सकते हैं उन सबको उसमें से हिस्सा दिया कि नहीं? तो उसके हिस्से में कितना आया? और फिर निरंतर पकड़े जाने के भय और तनाव के बीच जी रहा है, और उसमें भी ज्यादातर विलासिताओं में, अय्याशियों में, बेकार की चीजों में, दुर्व्यसनों में खो देता है। थोड़ा सा ही जो वास्तविक सुख है वो उतना ही है जितना उसने पुरुषार्थ किया था। सुख उतना ही उठा पाएगा जितनी उसने मेहनत की थी, और इतनी ही मेहनत अगर वो ठीक दिशा में कर लेता, समाज स्वीकृत तरीकों से कर लेता, तो भी उतना उसे प्राप्त हो जाता। बुद्धि तो उसके पास थी, चतुराई उसके पास न होती, मेहनत न होती, सब कुछ कष्ट उठाने की एक कैपेसिटी न होती, तो वो चोरी नहीं कर सकता था। चोरी करना साधारण बात नहीं है, बड़ा कठिन है, और इस कठिन काम को वो करता है, और इससे जो सरल है समाज स्वीकृत काम उसको करने में कतराता है, क्योंकि मन में बहम बैठ गया है कि शायद ये सरल है। कैलकुलेशन गलत है। बेईमानी करके लोग सोचते हैं कि शायद इससे हम जल्दी सरलता से पा रहे हैं, ना, सरलता से नहीं पा रहे। जैसे ही किसी समाज में सब लोग उतना उतना परसेंट बेईमानी करने लग जाते हैं, ध्यान दीजिए, सबका उतना उतना परसेंट दुख बढ़ जाता है। भारत के किसी बड़े शहर में, भारत के किसी बड़े शहर में आप निश्चिंत भाव से ग्लास दूध का नहीं पी सकते। सब्जियां ऐसी दिखती हैं, ताजी, हरी, एकदम जैसे अभी खेत से टूट कर आई। खेत से टूटकर चले हुए उनको 10 दिन गुजर गए, ट्रक में लादी गई, बोरों में बंद करके, उसके बावजूद कोई ये नहीं सोचता इतनी फ्रेश, इतनी हरी कैसे है ये, इतनी हरी और ताजी खेत में जाकर देखो वहां नहीं होगी। भिंडी, शिमला मिर्च, लौकी, इतनी हरी हरी, कमाल, ग्वार की फली, वो एक केमिकल में डुबो दी जाती है। पहले तो उसमें कीटनाशक छिड़के गए, वो जहर, फिर ऊपर से उसको 10-15 दिन ताजा जैसा दिखाने के लिए, पता नहीं कितना लंबा नाम है, मैं तो याद करके हैरान रह गया, वो याद नहीं हुआ मेरे को उस केमिकल का नाम जिसमें डुबो देते हैं और सब्जी ताजी सी बनी रहती है, वो भी अपने आप में एक जहर है। कितना कितना जहर हम खा रहे हैं तरह तरह से, और सब एक दूसरे को दुख पहुंचाने पर लगे हैं। अभी अभी आपके देश की पार्लियामेंट में एक विचार उठा, और पता नहीं वो प्रस्ताव, वो संविधान, वो नियम बना है कि नहीं बना है, वो कानून बन पाया है नहीं बन पाया, कि जो लोग दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, जीवन रक्षक दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, उनको प्राण दंड दे देना चाहिए, मृत्युदंड की सजा हो, तब शायद दवाइयों में मिलावट रुके। स्थितियां यहां तक पहुंच गई। तो जब कोई आदमी इस चीज में मिलावट कर रहा है, तो रहना तो उसको उसी समाज में है जिसमें दूसरे भी चोर हैं, तो वो इस चीज में मिलावट करके, चोरी बेईमानी करके दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश में है। उस समाज में रहकर उसको दूसरों के किए हुए दुष्कर्म का फल वहां पर भोगना पड़ जाता है। मेरे शहर एटा में एक श्रीमान पेट्रोल पंप के मालिक, पेट्रोल और डीजल में मिट्टी के तेल या किसी चीज की मिलावट करते। क्या उद्देश्य है उनका? सरल तरीके से जल्दी धनवान हो जाएं, ये उद्देश्य है। होते गए खूब पैसा कमा लिया। अब पैसा कमा लिया है तो पैसे का उद्देश्य क्या है? सुख के साधन इकट्ठे करना। वो ये नहीं सोचते कि कार खरीदेंगे और कार खरीदकर एटा शहर 3 किलोमीटर इधर 3 किलोमीटर इधर खत्म हो गई सीमा, इतने के लिए कार की जरूरत ही नहीं है। आप शहर के बीच में रह रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर में ही तो आपका सब कुछ हो गया, तो वो तो पैदल भी हो जाएगा, रिक्शे चलते हैं उनसे हो जाएगा। कार खरीदेंगे आप तो कहीं दूसरे शहर भी तो जाएंगे, एटा से दिल्ली जाएंगे, अलीगढ़ जाएंगे, आगरा जाएंगे, तो आप अपनी कार में इतना पेट्रोल भर लेंगे कि आपको दूसरे पेट्रोल पंप की जरूरत ना पड़े। अपना पेट्रोल पंप तो उठा के साथ नहीं ले जाओगे, तो दूसरों के पेट्रोल पंप से मिलेंगे तो वो मिलावट नहीं कर रहे होंगे, ये कैसा सोच लिया तुमने? तो तुम्हारी कार को भी मिलावट वाला ही पेट्रोल मिलना है, डीजल मिलना है। अब जरा आगे चलिए, पैसे वाले तो हो गए, बीमार पड़ गए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो शहर के जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास गए।
उन्होंने सब चेकअप किया, दवाइयां लिख दी, ये दवाइयां आपको नियमित खानी है, घबराने की कोई बात नहीं है, दवाइयां खाते रहिए और आप ठीक ठीक चलते रहेंगे। और कुछ समय बीता कि उनकी मृत्यु हो गई। उनके रिश्तेदार परिचित मित्र इकट्ठे हुए और वो डॉक्टर भी आए बेचारे। उनको डबल तकलीफ थी, एक तो मित्र थे पेट्रोल पंप के वो मालिक, और दूसरे डॉक्टर को ये तकलीफ कि मेरे ट्रीटमेंट में मर गए। मरने की ऐसी उम्र तो नहीं थी और ना ऐसी बीमारी इतनी एक्यूट हुई थी, क्या बात। तो दुखी थे वो डॉक्टर, और शव रखा हुआ था उसको बांध के कफन वफन ले चलने की तैयारियां हो रही थी। वो टहलते हुए उस कमरे में चले गए जो उनका निजी कमरा था उस पेट्रोल पंप के मालिक का। तो उन्होंने जाकर देखा वहां दवाइयां रखी हुई थी, जो वो थी उन कंपनियों की बनाई हुई जो नकली थी। ठीक है, आप पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर लीजिए, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हुआ है एक, वो दवाइयों में मिलावट कर रहा है, तो चक्र घूम करके वापस आप तक आ जाता है। तो ये ना सोचना कि वो रास्ते छोटे हैं, वो बहुत लंबे पड़ते हैं। तो जो देश स्वस्थ पथ पर चलना चाहते हैं उन्हें एक सामूहिक स्तर पर एक सुव्यवस्था बनानी पड़ती है, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म, नैतिकता और ठीक मार्ग पर चलने की भावना विकसित करनी पड़ती है। डॉक्टर योगेश वेलाणी जी मुझे अभी सुना रहे थे, डॉक्टर योगेश जी सुना रहे थे हाँ, कि वो हॉलैंड में कोई व्यक्ति गए भारत के, तो किसी परिवार में वो पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे थे, मतलब उनके कमरे में रहेंगे, उनके घर में खाना खाएंगे और उसकी जो कीमत है वो चुका देंगे। तो घर जिनका है वो डेयरी फार्म चलाते हैं, पशुपालन करते हैं, और एक पुरानी सी कार में बैठ के चलते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान से गए हुए, इन्होंने कहा कि आप अच्छी कार गाड़ी क्यों नहीं खरीदते, मर्सिडीज खरीद लो, इतना बड़ा आपका फार्म है। कहा कि नहीं, इतनी तो इनकम नहीं होती। अरे इनकम में क्या है, देखो आप इतना अच्छा दूध पैदा करते हो, इसमें सिर्फ 10% पानी मिलाओ। उन्होंने अपने दोस्त को कहा, जिसका वो जिसके घर में रह रहे हैं उसका बेटा, उससे परिचय थोड़ा घनिष्ठता हो गई समान उम्र होने के कारण, तो उसको कहा कि सिर्फ 10% पानी मिला दो, पता भी नहीं चलेगा और थोड़े दिनों में बढ़िया नई कार आ जाएगी। तो उस लड़के को लगा कि हाँ आइडिया तो ठीक है, तो उसने अपने पिता को कहा कि हमारे जो मेहमान आए हुए ना उन्होंने एक आइडिया बताया, हम देखो इस पुरानी कार में चलते हैं, ऐसे कब तक चलते रहेंगे, नई बड़ी कार अच्छी कार होनी चाहिए, देखो उनके पास है, उनके पास है, उनके पास है, क्या आइडिया है, बस सिर्फ 10% पानी, बस मजे। किसने बताया है तुमको, अरे वो जो आके आ रहे हैं हिंदुस्तान से रहते हैं, अच्छा उनको बुलाओ। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे, उस हॉलैंड निवासी व्यक्ति ने उनको कहा कि देखिए आप हमारे देश में राष्ट्रद्रोह करते हुए पकड़े गए, ये राष्ट्रद्रोह है। मैं अपने देश के लोगों को मिलावटी दूध पिलाऊं, ये अपने देश के लोगों के साथ ही द्रोह है, दुश्मनी है, और इस दुश्मनी की सजा आप जानते हैं क्या है। मैं पुलिस को खबर नहीं कर रहा हूं, आप पर मेहरबानी करके 24 घंटे के अंदर आप मेरा देश छोड़ दें। तो सवाल इस बात का है कि हम लोग एक दूसरे को ही दुख पहुंचाने में लगे हुए हैं और सोचते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, दूसरे का किया हुआ दुष्कर्म उसकी मिलावट आपको दुख पहुंचा रही है, आपकी की हुई मिलावट आपका किया हुआ कर्म दूसरे तक पहुंच रहा है। अंततः तो सीधी बात यह है कि हमारे ही कर्म हमारे साथ हैं और घूमकर किसी भी निमित्त से दुख या सुख रूप में हम तक वापस आ जाते हैं। इसलिए नीति शास्त्री कहते हैं, सर्वम जिम्हम मृत्यु पदम आर्जवम ब्रह्मण पदम एतावान ज्ञान विषय किम प्रलाप करिष्यति। सब कुछ जो सीधा मार्ग है वो ब्रह्म का मार्ग है, जो कुटिलता है, धूर्तता है, छल कपट, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली स्थितियां हैं वो मृत्यु का मार्ग है। मृत्यु यानी जीवन तो छिनता ही है। अगर एक व्यक्ति का गला काट करके हमने जीवन छीना, यही हिंसा है क्या? अगर हमने किसी का जीवन एक साल कम कर दिया, मान लीजिए वो 80 साल जीता, हमने उसकी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा जहर दे करके इस हालत में किया कि वो 75 साल में ही मर गया, तो हमने 5 साल छीने कि नहीं? ये भी तो जीवन छीनना है थोड़े अंशों में। अच्छा मान लीजिए आपके बच्चों को
एक सब्जेक्ट जिसको वो पढ़ते हैं, स्कूल में जो टीचर ने पढ़ाया उतने से समझ में आ जाना चाहिए ना।